नमस्कार, मैं हूं हनी और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव खबर हमेशा सच। आपको बता दें कि इसरो 12 अगस्त को GISAT-1 जियो इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा। वहीं बताया जा रहा है कि रियल टाइम इमेज के साथ आपदाओं में जल्द मिलेगी सूचनाएं। इसरो ने कहा, इस साल इसे लॉन्च करने का समय रखा गया लेकिन तकनीकी समस्या के कारण देर हुई। उसके बाद मई में इसे लॉन्च करने का समय रखा गया लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण यह नहीं हो सका। वहीं यह खबर मिल रही है कि 10 रॉकेट की मदद से इस सैटेलाइट को बनाया गया। जल्द ही जियो इमेजिंग सैटेलाइट अंतरिक्ष में रवाना करेगा। वहीं अंतरिक्ष विभाग के एक अधिकारी का मानना है कि भारत के लिए यह गेम चेंजर साबित होगा। ऑनबोर्ड उच्च रेजोल्यूशन कैमरों के साथ उपग्रह देशों की भारतीय भूभाग और महासागरों की निगरानी करने का अनुमति देगा। भारतीय उपमहाद्वीप के नजदीक रियल टाइम बादल नहीं रहने पर लगातार अंतराल पर अवलोकन करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 अगस्त को GSLV-F10 रॉकेट पर जियो इमेजिंग उपग्रह GISAT-1 की नियोजित परिक्रमा के साथ श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट में अपनी लॉन्च कार्यक्रम को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया। 2268 किलोग्राम GISAT-1 को आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाना था, जो चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में 5 मार्च 2020 को लॉन्च किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ब्लास्ट ऑफ से एक दिन पहले ही लॉन्च को रोक दिया गया। इसके बाद देश भर में कोविड-19 के कारण लॉन्च में और देरी हुई, जिससे सामान्य कामकाज प्रभावित हुआ। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह देश को अपनी सीमाओं की रियल टाइम इमेज देगा। इससे प्राकृतिक आपदाओं या किसी प्रकार की आपदाओं, अल्पकालिक घटनाओं की निगरानी की जा सकेगी। विशेषज्ञों ने उपग्रह की स्थिति पर कहा है कि कक्षा में अवलोकन उपग्रह के कई लाभ हैं। इससे पहले इसरो ने कहा था कि उपग्रह लगातार अंतराल पर बड़े क्षेत्र की रियल टाइम इमेजिंग देगा। तीसरा उद्देश्य कृषि, वानिकी, खनिज विज्ञान, आपदा चेतावनी, बादल, बर्फ, ग्लेशियर और समुद्र विज्ञान की इमेज भी देगा। अंतरिक्ष विभाग के एक अधिकारी ने कहा, यह भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। इसरो ने यह भी कहा कि प्रक्षेपण 12 अगस्त को सुबह 5:43 पर किया जाएगा, हालांकि यह मौसम संबंधित स्थिति पर निर्भर करेगा। ने यह भी जानकारी दी कि इस उपग्रह का कोड नेम EOS-3 रखा गया है। इससे पहले इस साल 28 फरवरी को इसरो ने 18 छोटे उपग्रहों को भी लॉन्च किया था। इनमें देसी और विदेशी उपग्रह शामिल थे। इससे पहले अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में संसद में दावा किया था कि EOS-3 पूरे देश की रोजाना 4-5 इमेजिंग करने में सक्षम है और जल स्रोतों, फसलों, वन क्षेत्र बदलाव की निगरानी के लिए उपयुक्त है। यह बाढ़ और चक्रवात की भी सटीक जानकारी मुहैया कराएगा। GSAT-1 प्रक्षेपण के बाद भारत EOS-4 या RESAT-1 के प्रक्षेपण पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो एक रॉडर इमेजिंग उपग्रह है और दिन रात तस्वीरें ले सकता है। यह उपग्रह पूरे दिन और सभी मौसमों में समान रूप से चलने की अपनी क्षमता को आधार पर देश की रक्षा में एक रणनीतिक भूमिका निभाने के लिए तैयार है।